गोरखपुर से चौंका देने वाली लूट की वारदात सामने आई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बैंक रोड का है, जहां वोडाफोन टेलीकॉम सेंटर में दिन दहाड़े एक युवक ने तमंचे के बल पर महिला कर्मचारी से 7.5 लाख कैश लूट कर फरार हो गया। कस्टमर आ गए थे, उसमें हम उलझ गए। उसके बाद उससे हम जब तक रजिस्टर हम निकाल रहे थे तब तक वो अंदर चला गया। आपने रोकने की भी उसको कोशिश की? हाँ, रोकने के लिए हम कोशिश किए सर, लेकिन वो तुरंत चला। नहीं, मुंह बांध के जो है हम देखे, तब तक रजिस्टर हम निकाल रहे तब तक वो आगे चला गया। ऊपर? हाँ सर, ऊपर तुरंत चला गया। हम इधर 2-3 कस्टमर आ गए थे, उधर जो है हम उन लोगों को देख रहे थे, उधर उलझ गए हम। ऊपर से वो उतरा होगा, फिर आपसे उसके सामना हुआ होगा? ऊपर से उतरा, उसके बाद जो है ऊपर से जब उतरा तो हम उसको बोले तो भूरा भूरा उसका बाल था बड़ा बड़ा, और जो है वो बाना हुआ था। तो हम उसके कितनी की संख्या में थे, कितने लोग थे? सिंगल थे, एक थे। हमारा ओम प्रकाश विश्वकर्मा नाम, सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट पर। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ के बाद सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई। एक व्यक्ति आया उनसे कपड़ा मांग रहे हैं और वहाँ पे से ये बताते हैं 7.5 लाख रुपये कैश उनका रखा हुआ था, लेके चला गया है। और इस संदर्भ के अंदर हम लोग जानकारी प्राप्त करें, शीघ्र इसका अनावरण किया। ये इस चीज़ के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, कुछ हम लोग को क्लूज मिले हैं और जैसा मैंने कहा शीघ्र इसका अनावरण करेंगे, क्या चीज़ें इसके अंदर शीघ्र अनावरण किया। बहरहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है और जल्द ही बदमाशों को पकड़ने का दावा कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।